नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर शानदार टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है यूट्यूब के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यूट्यूब पर ये कहते हुए कि अपनी वीडियो को खुद से वॉच नहीं करना चाहिए यूट्यूब में, और बहुत सारे लोग जो है इस बात को मानते भी हैं कि खुद की वीडियो खुद देखने से यूट्यूब पर जो है हमारा चैनल ग्रो नहीं होता और मोनेटाइज नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा पूरा क्लियरली, कि आप अपनी वीडियो को अपने फ़ोन में देख सकते हैं नहीं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देख सकते हैं नहीं, और अगर देख सकते हैं तो किस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी YouTube का नया चैनल बनाया है और आप ये चाहते हैं कि मेरे व्यूज़ आए मेरे वीडियो पर, तो दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिससे क्या है कि आपके वीडियो पर व्यूज़ भी आएंगे और आप अपनी वीडियो खुद भी वॉच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी वीडियो पोस्ट की है और आपने अपने मोबाइल में वो वीडियो चला ली तो बिल्कुल गलत है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि चैनल मोनेटाइज भी हो जाए, 4000 घंटे है उसके अंदर वॉच टाइम के अंदर हमारे द्वारा देखी गई वीडियो का टाइम काउंट हो, तो दोस्तों सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन में एक नई जीमेल आईडी बनाइए। अगर आपके फोन में ऑलरेडी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके चैनल फोन में दो यूट्यूब चैनल है तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, अपने जो दूसरी जीमेल आईडी बनाएंगे उस जीमेल आईडी को ऑन कीजिए, मतलब कि वो वाला यूट्यूब का चैनल ऑन कीजिए या फिर दूसरी जीमेल आईडी को ऑन कीजिए, वहां से आप उस आईडी के द्वारा अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एक बार नहीं, 50 बार वॉच कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब में वॉच टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है अपने घर में, उसमें दूसरा यूट्यूब चैनल है और उसके अंदर ही तीसरा यूट्यूब चैनल है, तो आप दोनों आईडी से अपना जो है यूट्यूब चैनल की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप वॉच कीजिए, बीच में 10-15 मिनट का गैप दीजिए, फिर वॉच कीजिए। इससे फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल का जो है वॉच टाइम बढ़ेगा, और साथ ही साथ YouTube को ये लगेगा कि ये जो भाई वीडियो बना रहा है इसकी वीडियो अच्छी है, इसका ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो डेफिनेटली ऑडियंस रिटेंशन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी 100% से ऊपर चला जाएगा। अगर 100% के आसपास भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा और YouTube क्या है आपके इंप्रेशन ज़्यादा भेजेगा अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका है, मैं खुद भी वॉच करता हूँ, और मैं मेरे जो पुराने वीडियो उनका भी करता था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरा जो एक चैनल है कॉमेडी, वो मैंने एक बार मोनेटाइज भी करवा लिया था, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ था लेकिन डीमोनेटाइज हो गया था, वो किसी और गलती की वजह से हुआ था। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती हुई थी, लेकिन दोस्तों ये सिंपल सा तरीका आप बिल्कुल आजमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये काम सिर्फ आप चैनल मोनेटाइज होने से पहले कर सकते हो। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आप ये काम ना करें, अपनी वीडियो को खुद वॉच ना करें, क्योंकि उसके बाद जो है आपके चैनल पर आपकी वीडियो पर जो है ऐड चलते हैं और YouTube को ये लगता है कि ये खुद से जो है अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।